कांग्रेस कह रही है कि सीडब्ल्यूसी ने 2019 का चुनाव राहुल गांधी को चेहरा बनाकर लड़ने का फैसला किया, तो बीजेपी कह रही है कि बिना गठबंधन के ही कांग्रेस महागठबंधन का चेहरा तैयार कर रही है। दीपेन जी, सीडब्ल्यूसी ने लगभग फैसला ले लिया है कि अगर गठबंधन को बहुमत आती है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। देखिए, सीडब्ल्यूसी ने दो फैसले लिए हैं, एक तो कि कांग्रेस का नेतृत्व चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर राहुल जी करेंगे, इसमें कोई संशय पहले भी नहीं था, और एक औपचारिक निर्णय मैं समझता हूँ लिया गया है। जब राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चयनित किए गए थे कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं द्वारा, उसी समय ये बात स्पष्ट हो गई थी। दूसरा निर्णय लिया गया कि एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे जो विभिन्न प्रदेशों में गठबंधन की बातचीत विभिन्न दलों से किस प्रकार से ज़्यादा विपक्षी दलों में एकता बनाने की में कांग्रेस पार्टी अपना भूमिका निभाए, उस दिशा में काम करेगी। तो ये दो निर्णय लिए गए हैं। देखो भैया, अभी बारात तो है नहीं, दूल्हा घोड़े पे पहले बैठ गया। अब दिक्कत ये है कि कहते हैं कि गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, अब है गठबंधन कहाँ? इसी को कहते हैं अहंकार, और इसी को कहते हैं कि जो परिवार तंत्र है वो जनतंत्र का अपहरण करना चाहता है, और इसीलिए इसी तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती है। इसलिए रस्सी जल गई और बल अभी भी नहीं गया, इसलिए कम से कम उन्हें विपक्ष में भी रहना है तो कम से कम जो है वो आत्मचिंतन करके कौन सी नीतियां ऐसी हैं जो जनता उन्हें ठुकरा रही है, परिवार तंत्र का कौन सा ऐसा पेच है जो उनके राजनीतिक और उनके जो है वो सियासी सफर को नुकसान पहुंचा रहा है।